Yeah.
सारी कथा में से मतलब लोगे ना तो खड़े हो कथा में तो स्टैंड नहीं तो उधर खड़े हो जा इस साइड अरे विशाखा देखते हम लोग इधर आ जा उधर इस सामने बैठ के वृंदा विशाखा इस सामने बैठ सब ओम अज्ञानते विराम धस्य ज्ञानांजन सलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुष्ये नमः हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशः गोपीजाकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वृंदाय तुलसी देवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतये नमो नमः तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्रुतावतारं अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतं स्वरूपं जन्म प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरहकातर आयुभाव पुत्रीति तन्मयतया तरवोऽभिनेतुं स्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदिरे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सभी पर हाथ उठा के बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 सर्वप्रथम मेरे गुरुदेव नितलीला प्रभिष्णम विष्णुपाद अष्टोदर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव नितलीला प्रभिष्णम विष्णुपाद अष्टोदर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिताए भाई बहन सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। ये बच्चे जो पीछे बात करते हैं ना, कोई एक व्यक्ति पीछे बैठो, जैसे बच्चों को बात करने वाले हैं, कोई एक व्यक्ति को पीछे बैठा दो। वैसे गिरिराज महाराज की हरे कृष्ण। आज हम लोगों का बहुत बहुत ही अच्छा दिन है, क्योंकि श्री सात दिन तक हम लोग श्री भागवत कथा श्रवण करने के लिए यहाँ सबके सब उपस्थित हुए। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परिकी
बल एक जन्म का भाग्य नहीं, जब करोड़ों करोड़ों जन्म का कोई भाग्य उदय होता है तभी ये श्रीमद् भागवत कथा कोई रख सकता है, फिर कोई सुन सकती है। इसलिए जगत में ऐसे कुछ काम हैं जो काम को हम पैसा के बल पर रख सकते हैं, जगत में ऐसे कुछ काम हैं जो काम को हम जन का बल पर कर सकते हैं, जगत में ऐसे कुछ काम हैं जिसको हम सिर्फ मन के बल पर रख सकते हैं, लेकिन जगत में सबसे बड़ा बल है ये आत्मा बल है। जगत में ऐसे कुछ काम है जिसको हम सिर्फ आत्मा बल पर रख सकते हैं, लेकिन भक्तों का कहना है कि जो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करना, ये भागवत कथा रखना न तो कोई जन बल से रख सकते हैं, न तो कोई धन बल से रख सकते हैं, न तो कोई मन बल से रख सकते हैं, न तो कोई आत्मा बल से रख सकते हैं। जब तक गुरु वैष्णव और ठाकुर जी की कृपा बल नहीं हो, कहते ये कथा कोई रख नहीं सकते और कथा कोई सुन भी नहीं सकते। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते बल्कि ये भागवत कथा की इतने दुर्लभता है, इतने दुर्लभता ये भागवत कथा की, कहते स्वर्ग सत्य च कैलासे वैकुंठ नास्ते अमरसा। कहते जो सौभाग्य आज हमें प्राप्त हुई है, कहते स्वर्ग में देवता रूप में जन्म लेने पर भी उनकी सौभाग्य में भी ये कथा सुनने को नहीं मिलता। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी जब ये कथा सुनने जा रहे थे, जिन जिन देवता को हम घर में पूजा करते हैं, कहते ये 33 करोड़ देवता स्वर्ग से अमृत कलश लेकर के आए, बोले लो ये पूरा के पूरा ये अमृत कलश ले लो, लेकिन इसकी विनिमय में हमें थोड़ा ये भागवत कथा सुना दो। लेकिन सुखदेव गोस्वामी खदेड़ दिया वहां से, बोले मूर्ख देवताओं, अगर कोई कांच की टुकड़ा लेकर के आए, बोले उसको लो और तुम्हारा पास में जो मणि दे दो हैं, इसलिए तुम लोग जो स्वर्ग का अमृत लेकर के आए हो, बताओ स्वर्ग अमृत पीने से क्या होता है। पहले जब देखते लोग जब कई तपस्या करते हैं ना, जब उनको ताकत थोड़ा बढ़ती है ना, पहले ये देवता को ऊपर चढ़ाई करते हैं और देवता को मार मार करके भगा देते हैं, और देवता का जो राजा इंद्र पता नहीं कितना बार स्वर भी बना है। इसलिए ये स्वर्ग अमृत पाने को खाने पर कब तक रहोगी, बोले जब तक तुम्हारी पुण्य समाप्त नहीं हो जाए, पुण्य समाप्त तो होते ही फिर यहीं पर तुमको गिरना पड़ेगा, फिर ये माया की चक्र में तुम्हें घूमना पड़ेगा, ये जन्म मृत्यु से तुम नहीं निकल सकते हो। लेकिन ये जो भागवत कथा नहीं, ये भागवत कथा क्या है, बोले तमादि देवम करुणा निदानम तमालवर्णम श्रुहृदावतारम अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवतम स्वरूपम। बोली भागवत है क्या चीज, बोले जिस समय भगवान कृष्ण ये संसार छोड़ करके जा रहे थे वहां पर से उद्धव जी थे, बोले प्रभु मेरे को छोड़ कर आप कहाँ जा रहे हो, अभी मैं किसको साथ में रहूंगा जगत में, आपका विरह को मैं कैसे सहन करूं। भगवान ने कहा देखो उद्धव, मैं एक स्वरूप में तो ये संसार से जा रहा हूँ, लेकिन दूसरे स्वरूप में संसार में रह गया। बोले प्रभु आप किस रूप में रहोगे, बोले ये जो भागवत ग्रंथ है, बोले तेन अयम बाणमय मूर्ति, भगवान सप्त ब्रह्म रूप में ये भागवत ग्रंथ रूप में विद्यमान। कृष्ण कहते हैं कलयुग में ये जो भागवत कथा जो श्रवण करेगा, कहते भागवत कथा सुनना और मेरे से मिलना एक ही बात है, एक ही बात है। इसलिए भागवत में इसमें 12 खंड है, 12 खंड में प्रथम और दूसरी जो खंड ये ठाकुर जी के 2 चरण है, तीसरी चतुर्थ स्कंध भगवान की 2 भुजा है 2 उरु है, पंचम स्कंध भगवान की नाभि कमल, षष्ट सप्तम स्कंध ये बांके बिहारी के 2 हाथ है, जो अष्टम स्कंध भगवान की वक्षस्थल,
नवम स्कंध भगवान की कंठ और दसम स्कंध ये ठाकुर जी की मुखार बिंद और एकादश स्कंध भगवान की ललाट और द्वादश स्कंध भगवान का सर। इसलिए बोले ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ नहीं, ये स्वयं भगवान कृष्ण जीव की कल्याण करने के लिए कलयुग में श्री भागवत रूप में ठाकुर जी प्रकट हुए हैं। इसलिए कलयुग में जो व्यक्ति ये भागवत कथा सुनेगा मानो साक्षात भगवान को ही प्राप्त करेगा। इसलिए कहते स्वर्ग में देवता रूप में जन्म लेने पर भी उनकी नसीब में भी ये भागवत कथा सुनने को नहीं मिलती। सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित ये स्वर्ग की बात छोड़ दो, स्वर्ग में तो कथा है ही नहीं लेकिन उसको सात लोकों पर में ब्रह्मलोक है। कहते ब्रह्मलोक में भी ये कथा नहीं, अगर जब ब्रह्मा जी को कभी कथा सुनने को इच्छा हो कहते ब्रह्मा भी अपना पत्नी सरस्वती को साथ में शारदा का साथ में ये ब्रह्मलोक से भी कथा सुनने के लिए कहाँ आते हैं, ये मरते जगत में आते। कहते वहां पर भी कथा नहीं, बोले सत्य लोक की बात छोड़ो बोले ये भागवत कथा कैलाश लोक में भी नहीं। जब श्री शंकर जी को कभी इच्छा हो भैया हम भागवत कथा सुनना चाहते हैं, कहते ये कथा कैलाश में भी नहीं, शंकर अपना पत्नी पार्वती को लेकर के इसी मरते जगत में आते हैं कथा सुनने के लिए। कहते भैया कैलाश की बात छोड़ दो, बोले वैकुंठ नास्ते अमरसा। कहते वैकुंठ में भी जन्म लेने पर कहते ये भागवत कथा उनकी सौभाग्य में भी ये भागवत कथा उन्हें भी मिल सौभाग्य में नहीं प्राप्त होता है। आप लोगों ने रामायण सुने हो, कौन कौन रामायण सुने हो, रामायण सुने हैं ना। आप देखना जिस समय भगवान राम ये अयोध्या छोड़ करके जा रहे थे, सारे अयोध्या वासी तैयारी है ठाकुर जी को साथ में संकेत धाम को जाने के लिए, देखा सबके सब तो वहाँ पर है लेकिन एक व्यक्ति वहाँ पर नहीं, बोले कौन, बोले श्री हनुमान जी। बोले भैया हनुमान जी कहाँ गए, क्यों को बोलते हैं ना दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। बोले जो हनुमान कभी भगवान राम को नहीं छोड़ते हैं वो हनुमान जी कहाँ हैं, ये हनुमान जी कहाँ गए। अब भगवान राम ढूंढ रहे हैं भैया हनुमान जी कहाँ हैं, देखा हनुमान जी एक कोने में बैठी करके भगवान की नाम जप कर रहे थे। भगवान राम ने कहा हनुमान जी ये सारा दुनिया वैकुंठ जाने के लिए तैयारी है और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, वैकुंठ नहीं जाओगे। देखा हनुमान जी क्या कहते हैं, बोले प्रभु जी क्या वैकुंठ में तुम्हारी कथा सुनने को मिलेगी। भगवान ने कहा जब मैं साक्षात रूप में वहाँ पर हूँ फिर ये कथा की क्या जरूरत है। देखो हनुमान जी क्या कहते हैं, बोले प्रभु आप जहाँ पर हो सकती है वहाँ पर तुम्हारी कथा नहीं मिले लेकिन तुम्हारी कथा जहाँ पर है आप 100% आप कथा में रहते हैं। इसलिए प्रभु ये वैकुंठ में तुम्हारी कथा नहीं, कथा तो केवल इसी मरते जगत में, ये मरते जगत में ही ये कथा और कथा कहीं नहीं। भगवान राम ने पूछा हनुमान जी फिर तू कब आओगे मेरे पास में, बोले प्रभु जब तक इसी दुनिया में तुम्हारी कथा रहेगी तब तक इस दुनिया में मैं रहूँगा, जब मैं देखूँगा इस संसार से तुम्हारी कथा नहीं रही फिर तो एक सेकंड के लिए भी ये मर्त्य जगत में मैं नहीं रहूँगा, फिर तो मैं आपको पास में चलाऊँगा। इसलिए भागवत में बताते हैं बोले नजत्र वैकुंठ कथा सुधा पुरा, बोले हे प्रभु जहाँ पर तुम्हारी कथा ही नहीं, जहाँ पर तुम्हारी जन्मोत्सव नहीं, जहाँ पर तुम्हारी राधाष्टमी नहीं, जहाँ पर तुम्हारी होली कीर्तन नहीं, बोले सुरेश्वर लोक अभी न बहिष्यता, अगर वो ब्रह्मलोक क्यों नहीं हो, वो स्वर्ग लोक क्यों नहीं हो, वो वैकुंठ लोक क्यों नहीं हो, प्रभु मैं वहाँ जाना नहीं चाहता, मैं तो वहीं पर जाना चाहता हूँ जहाँ तुम्हारी कथा हो। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बोले गया ओ गरुड़
जहाँ बस इभो सोता गयो गरुड़ जहाँ बस इभो सोता गयो गरुड़ जहाँ बस इभो सोता गयो गरुड़ जहाँ आरा बचरना थी भकतिया करना बचरना थी भकतिया करना गयो गरुड़ जहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जब गरुड़ जी की इच्छा होती है मैं कथा सुनूं, बोले गरुड़ कहाँ रहते हैं, बोले वैकुंठ में। जब उनकी इच्छा होता है भैया हम भी भगवान की थोड़ा कथा सुने, गरुड़ जी क्या करते हैं, वो वैकुंठ छोड़ करके किसी मरते जगत में कथा सुनने के लिए आते हैं। अब शंकर जी कैलाश छोड़ते हैं, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को त्याग देते हैं। देखो यहाँ पर एक अच्छी शिक्षा दी है, जब शंकर जी कथा सुनने के लिए आए ना, वो अकेले नहीं आए, वो अपना पत्नी पार्वती को लेकर के आए। जब ब्रह्मा जी कथा सुनने के लिए आए, वो भी अकेले नहीं आए, ब्रह्माणी को लेकर के आए। जब देवता लोग कथा सुनने के लिए आए, वो भी अकेले नहीं आए, पत्नी को लेकर के आए। शिक्षा देते ही कथा सुनने के लिए दो दो जाने चाहिए, पति पत्नी दोनों, अकेले मत जाओ। बोले ऐसे क्यों, इसके क्या रहस्य है? बोले रहस्य है, आप देखना 7 दिन तक जब आप कथा सुनेंगे ना, आप जिस रूप में आए हो आपका ये रूप नहीं रहेगा, आपका पूरा भाव रूप बदल जाएगी। 7 दिन में आप सबके सब भगवान के भक्त बन जाओगे। फिर समय को बर्बाद नहीं करोगे, समय मिलेगा तो गीता पढ़ोगे, रामायण पढ़ोगे, हरिनाम करोगे, भजन करोगे। क्योंकि जो कथा रंग में रंगेगा वो एक दिन भजन करेगा ही, भक्ति करेगा। अगर जैसे पत्नी आई फिर आपको पर रंग चढ़ा तो भजन करोगे, अगर पति नहीं आया वो रंग नहीं चढ़ेगा। अगर पत्नियां भजन करे तो पति क्या बोलेगा, बोले कौन सा बाबा का चक्कर में तू पड़ गई, पहले बोलती थी घुमाने ले चलो, चलो सिनेमा जाए, अभी तो जब देखो गीता रामायण लेकर पर बैठ जाती है। अगर पति अगर कथा सुनने के लिए आए, अगर उसको पर रंग चढ़े तो वो भी भगवान के भजन करना लग जाएगा, अगर पत्नी नहीं आए तो वो भी उसको भजन करने नहीं देगा। बोले क्या, कभी तो घुमाने के लिए ले जाते थे, चलो आज जाएंगे, अभी तो जब देखो गीता रामायण लेकर बैठ जाते हो, हैं कोई काम नहीं, राम नहीं, ऐसे बैठने पर काम चलेगा, काम नहीं करना पड़ेगा। देखना वो भी उनको भजन करने नहीं देगी। लेकिन जब आप दोनों कथा सुनने आओगे फिर दोनों को ऊपर रंग चढ़ेगा, फिर एक दूसरों को भजन में मदद करेगा। चलो जल्दी जल्दी सत्संग में चलते हैं, जल्दी जल्दी चलो दोनों बैठ गए, आज थोड़ा हरि कीर्तन करेंगे। इसलिए यहाँ पर बताए नियम है, कथा सुनने अकेले मत जाओ, दोनों दोनों कथा सुनने के लिए आने चाहिए। ठीक है, कल आप लोग दो तो मिलकर कथा सुनने के लिए आए। देखो आपकी सही घटना बताता हूँ। बोले कोई एक राजा था जिसको रोज रोज ये सत्संग रोज सुनता था, एक संत कथा सुनाते थे, वो रोज सत्संग में बैठता था। अभी जो सत्संग में बैठेगा उसको सत्संग में क्या मिलता है, ज्ञान मिलता है। ये मानव शरीर है क्या चीज, ये 84 लाख जन्मों के बाद में ये मानव शरीर मिलता है, हाँ? बारंबार ठाकुर जी मानव शरीर देते नहीं, ये जीवन पा करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए, हाँ? अगर आप सत्संग सुनोगे आपको ये ज्ञान होगा। और हमारा जो एक एक श्वास जा रहा है, करोड़ रुपया देने पर भी एक श्वास को कोई वापस नहीं ला सकता है। जैसे कोई अरब खरबपति हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है, डॉक्टर ने बोल दिया इसका अंतिम श्वास है, अगर कोई बोले तुम्हें 4 कोहिनूर हीरा देता हूँ इसका 2 श्वास वापस ले आ, वापस दे सकता है, दे नहीं सकती।
इसलिए मानव शरीर का जो एक एक श्वास है ये मानव शरीर नहीं, ये कोई नहीं, हीरे ठाकुर ने दिया, क्योंकि इसी जीवन में ही प्रभु की भक्ति करके हम भगवान को पास जा सकते हैं। इसलिए जब सत्संग सुन, अभी वो राजा सत्संग सुनता है, अभी वो राजा क्या करता है, समय को बर्बाद नहीं करते हुए समय मिले तो ठाकुर का नाम जप करता है, गीता भागवत पढ़ता है। रानी बड़ी परेशान, ये पहले तो बैठ करके थोड़ा मीठी मीठी बात बोलते थे, घुमाने कहीं नहीं ले जाते थे, ये जब से ये सत्संग में गए ये तो पता नहीं इनका क्या हो गया, दिन भर प्रभु का भजन भक्ति, अभी तो रानी परेशान ही परेशान। बोले वो जो बाबा है ना, इन्होंने मेरे पति को बिगाड़ दिया है, हैं भल इसको हम बदनाम करा देती हूँ। उन्होंने एक गुप्त रूप में एक वेश्या को उसने बुलाया, बोले तुम एक काम कर सकते हो, बोले बताओ। बोले राजा जब कथा सुनते होंगे ना, वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए होंगे, तुमके बोले इतनी सी बात बोल देना है वो संत से। बोले बाबा जी आपकी संस्पर्श से मेरे पेट में बचा गया है, अभी बताओ मैं क्या करूँ। क्या बोले इतना बात, रत्न से तेरी झोली में भर दूँ। वो वेश्या भात में आ गई और भरी सभा में उन्होंने ये बात को बता दी। लेकिन वो संत सतपुज से बहुत पहुँचे हुए संत थे, लेकिन उन्होंने सुन करके ना उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन वहाँ पर जितने लोग बैठे हुए थे अभी सभी की शंका वो बाबा जी के ऊपर में हो गया। लेकिन राजा को पूर्ण विश्वास है, नहीं ये सचमुच से साधु है, ये 24 घंटा में 24 घंटा भगवान की ये भक्ति करते हैं। जब वो राजा घर में आया वो वेश्या को बुलाया, बोले इधर आ, उनको सामने तलवार रख दिया, बोले सही सही बता तुमने ये भरी सभा में ये संत को तुमने अपमान क्यों की, सही सही बता। वो कांप उठी, बोले महाराज इसमें मेरी कोई दोष नहीं, आपका रानी ने मेरे को ऐसे बुलवाया, रानी ने ऐसे मेरे को बताने के लिए बताया, मेरी कोई दोष नहीं। इतने में राजा संतों के पास में गए, बोले बाबा अब दुखी मत होना, ऐसे ऐसे साजिश थी। बाबा ने कहा देखो दोष रानी की नहीं, दोष तुम्हारा है। बोले क्या दोष है, बोले तू सत्संग में तू अकेला आते हो और रानी को साथ में नहीं लाते, अगर तुम रानी को अगर साथ में लाता है ना फिर दोनों को ये ज्ञान मिलता जीवन क्या है, भगवान हमें ये जीवन क्यों दिया है, तू अकेले आते हो और तेरे ऊपर में ये रंग चढ़ा, अभी रानी कथा सुनने आती नहीं, उसको अगर रंग चढ़ी नहीं तभी तो ये कि कल से रानी को भी साथ में लाया है। इसलिए यहाँ शिक्षा देते हैं जो कथा है ना, ब्रह्मा अकेले नहीं आए, शंकर जी अकेले नहीं जाते, देवताओं अकेले नहीं जाते, तो सबके सब पत्नी को लेकर के आते हैं। इसलिए नियम है अगर दोनों अगर प्रभु की भजन करना फिर लाभ ही लाभ, माला ही माला, क्यों फिर दोनों मिलकर भगवान की भक्ति करोगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसलिए श्री शंकर जी ये पार्वती को ये बात कहते हैं, बोले पार्वती जगत में सब चीज सुलभ है, लेकिन पार्वती जगत में एक चीज बड़ा दुर्लभ है। माँ पार्वती कहती है बोले प्रभु जगत में किस चीज की दुर्लभता है। देखो ये शंकर माता पार्वती जो कह रहे हैं, शंकर जी कौन है, सत्यम शिवम सुंदर जोगी जोगी महाजोगी, वो किसको सुना रहे हैं, जगदम्बा जगत जननी माँ पार्वती को ये बात कह रही हैं। हैं देखो शंकर जी क्या कहते हैं, बोले सत्संगति दुर्लभ संसारा, सत्संगति दुर्लभ संसारा, सत्संगति दुर्लभ संसारा, सत्संगति दुर्लभ
बोले पार्वती, ये जगत में जो सत्संग है, जो भगवान की कथा पार्वती जगत में बड़ा दुर्लभ है। माता पार्वती कहती है, बोले प्रभु आप कहते हो सत्संग दुर्लभ दुर्लभ। हाँ, बोले दुर्लभ कहा, देखो सुलभ है ना। हमारे श्री कृष्ण प्रताप प्रभु और उनका बेटा, बेटा का नाम क्या है, संजय प्रताप प्रभु जी, अपना घर में भागवत कथा रखवा के सबको निमंत्रण दिया, घर घर में आओ भागवत कथा सुनने के लिए आओ, कथा होगी, सत्संग ठाकुर का कीर्तन होगा, आओ सबके सब। बोले ये दुर्लभ का है तो सुलभ है। शंकर जी कहते पार्वती निमंत्रण तो देंगे सबको लेकिन कोई नहीं आएगा पार्वती। इसलिए शंकर जी कहते हैं, बोले आप तो यही सारा अति कठिनाई राम कृपा बिनु आए न जाए। कहते पार्वती आप तो यही सारा अति कठिनाई, ये कथा में कोई नहीं आएगा। अगर जिसको पता चले ना शाहरुख खान आ रहा है, सलमान खान आ रहे हैं, अब देखना वहाँ प्यार रखने के लिए भी जगह नहीं मिलेगा। ऐश्वर्या राय आ रही है, कोई हीरो आ रही है, केवल आपको हीट लगे, देखो कितना लोग हो जाए। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती आप तो यही सारा अति कठिनाई, बोले राम कृपा बिनो आए न जाए। पार्वती भगवत कथा में कोई नहीं आएगा। पार्वती अगर किसी को निमंत्रण दिया हुआ हो ना, वो पति बोलेगा पत्नी को तू चला जा, मैं अपना काम को निपटा करके आ जाऊंगा, मैं अपना काम निपटा करके आ जाऊंगा। बोले तू स्वयं निपट जाओगे लेकिन तेरे काम नहीं निपटेगा। अभी तो किसी ने काम निपटाया है, किसकी काम निपटा है? कहते नहीं हम पहले सेटिंग हो जाए ना, हम पहले सेटिंग हो जाए फिर सेट हो जाए सब कुछ करेंगे। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती आप तो यही सारा अति कठिनाई, बोले राम कृपा में आए न जाए। जब तक भगवान की कृपा पार्वती नहीं हो, जब पार्वती की कथा में कोई नहीं आ सकते हैं। फिर पार्वती प्रश्न करती हैं, बोले प्रभु फिर ये भगवत कथा में, ये सत्संग में कौन कौन आते हैं? देखो शंकर जी क्या कहते हैं, बोले अति हरि कृपा जा पर होई, अति हरि कृपा जा पर होई, अति हरि कृपा जा पर होई, अति हरि कृपा जा पर होई। शंकर जी कहते पार्वती भगवत कथा में सत्संग में वही आते हैं जिसको ऊपर में भगवान की विशेष कृपा हो। अति भगवान की दो तरह की कृपा, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। शंकर जी कहते हैं पार्वती जिसको ऊपर में ठाकुर जी की डायरेक्ट कृपा होती है, पाप देही यह संगत सोई, वही व्यक्ति को ये भगवत कथा भगवान की सत्संग में उसी की ही रुचि होती है, वही कथा को श्रवण कर सकते हैं। उदाहरण दिया, जैसे तुम अपना घर में शादी शादी अपना घर में हो रही है, नहीं तो बच्चे का बर्थडे मना रहे हैं, आप बताओ
उसमें कौन आएगा? आप जिसको निमंत्रण दोगे। जैसे आपका दीवार में एक दीवार लगा हुआ घर है, अगर आप उसको निमंत्रण मत दो ना, वो तुम्हारे घर में नहीं आएगा, शादी में बर्थडे में नहीं आएगा। लेकिन किसका घर अगर 1000 किलोमीटर दूर में हो, अगर आप उसको निमंत्रण कार्ड भेजा, निमंत्रण दिया, वो वहाँ से आएगा। इतने दूर से भी वो व्यक्ति आएगा, क्यों? आपने उसको निमंत्रण दिया है। इसलिए शंकर जी कहते हैं पार्वती, ये भगवत कथा में कौन आएगा पार्वती? बल अति हरि कृपा जा करो। ठाकुर जी जिसको निमंत्रण दिया है ना, तब संत उदाहरण देते थे, जब भगवान कृष्ण बंसी बटक नीचे उन्होंने बंसुरी बजाई, जब उन्होंने बंसुरी बजाई, ब्रज में बहुत सारे ब्रजवासी थे, उनकी सखाएं भी थे, उनकी गोपियां भी थी, उनकी माताएं भी थी, लेकिन कथा में कौन आए? बंसी बटक नीचे क्रासों में कौन आए? सब नहीं आए, केवल ब्रज की गोपियां आए। बोले क्यों? बोले कृष्ण उन्हीं को ही बुलाना चाहते थे, वो सबको बुलाना नहीं चाह रहे थे, केवल उन्हीं को ही बुलाना चाहते थे, इसलिए वो सबके सब वहां पर आए। इसलिए भगवान कृष्ण केवल दो बार उन्होंने स्वागत शब्द प्रयोग किया, तीसरा बार उन्होंने नहीं किया। बोले कब कब उन्होंने स्वागत शब्द प्रयोग किया? बोले जब भगवान बंसुरी बजाई, कोई गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी, कोई पति को खाना खिला रही थी, कोई बच्चे को दूध पिला रही थी, लेकिन जब बंसुरी की आवाज पड़ी, सुनते ही सारे काम को वहीं पर फेंक फांक करके सारे बाधाओं का अतिक्रम करते हुए वहां पर पहुंचे। जब पहुंचे, भगवान कहते हैं स्वागतम महाभागा, हे ब्रज गोपियां, मैं तुमको स्वागत करता हूँ, क्योंकि जगत में तुम लोग बड़े सौभाग्यवान हो, सारे बंधन को तोड़ करके तुम लोग यहाँ पर आए। उन्होंने एक बार स्वागत किया। बोले दूसरा बार कब स्वागत की? एक दिन कृष्णा सखाओं को साथ में प्रभु की गैया चराने के लिए गई थी। जाते जाते एक दिन सखा ने कहा, कृष्ण बड़े भूख लग रहा है, थोड़ा खाने पीने का व्यवस्था कर दोगे? बोले कोई चिंता मत करो, जाओ ये पास में ये यज्ञ हो रही है, ये मथुरा की बड़े बड़े चौबे लोग यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी यज्ञ कर रहे हैं, वहाँ पर जाओ और हम कृष्ण बलराम दोनों का नाम लेकर के उनको बोलना, यहाँ पर कृष्ण बलराम आए हैं, भूखे हैं, कुछ भोजन मांग रहे हैं। कृष्ण यहाँ पर सखा लोग गए और जोर जोर से बोले, यहाँ पर कृष्ण बलराम आए हैं, वो भूखे हैं, कुछ उन्होंने खाना मंगवाए। लेकिन ब्राह्मण लोग सुनते हुए भी अनसुना कर दिए, सुने ही नहीं। सखा लोग तो बड़े दुखी होकर वापस आए, बोले कृष्ण तू बोल रहा था ये ब्राह्मण के पास में जाएंगे तो कुछ खाना देंगे, लेकिन तुम्हारे नाम सुनकर तो अनसुना कर दिया। कृष्ण ने कहा, एक काम करो, उनकी जो पत्नियां हैं ना, वो मेरी परम भक्त है, जाओ उनकी पत्नियों के पास में जाओ। सखाओं ने बोले, कृष्ण जो इतने वेद पढ़ने वाले, त्रिवेदी चतुर्वेदी द्विवेदी, मतलब जो इतने सारे वेद पुराण को पढ़ने वाले, इनकी तुम्हारे प्रति प्रेम नहीं हुई है, इनकी तुम्हारे प्रति प्रेम नहीं हुई, जो स्त्रियां अपवित्र रहती हैं, जिनकी जन्यो संस्कार भी नहीं, जो लोग ये वेद नहीं पढ़ सकते हैं, अब तुम बोल रहे हो वे लोग तुम्हारे लिए भोजन देंगे है? कृष्ण ने कहा, देखो सखाओं, की जो भक्ति है ना, ये किसी को ऊपर निर्भर नहीं करता है। तीन वेद पढ़ो, चार वेद पढ़ो, पवित्र रहो तो भी भक्ति हो ही गई, कि किसी को ऊपर भक्ति किसी को ऊपर निर्भर नहीं करती है। भक्ति तो ये स्वतंत्रता है, भक्ति तुम लोग जा करके मेरे नाम को जा करके बोलना। सचमुच से जब सखा लोग वहां पर गए ना, उन लोगों ने दूर से देखा, ये यज्ञ पत्नियां अपना घर के काम तो हाथ में कर रही थी, लेकिन ये मुंह में ठाकुर जी के नाम ले रही थी। बोले जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव।
जय प्रभु जय लड्डू कचौड़ी मालपुआ बनाए थे ना, वो जितने यज्ञ पत्नियां थी भर भर करके भगवान के लिए लेकर के दौड़ पड़ी। इसने जा करके ब्राह्मण से बोल दिए, बोले यज्ञ के लिए जितने मालपुआ पकवान बनाए थे ना, वो सबके सब गोपियां लेकर के हमारी पत्नियां लेकर के कृष्ण के लिए जा रहे हैं। इतने में सबके सब ब्राह्मण तो वहीं से भगे, बोले कहाँ जा रहे हो घर से निकल करके, बोले कृष्ण के लिए ले जा रहे हैं। बोले खबरदार, अगर घर से निकलोगे ना टांग तोड़ देंगे घर से निकलोगे तो। बोले तुम्हारी घर में ही नहीं आएंगे, हम तो कृष्ण को पास में ही रहा करेंगे। सबके सब लेकर के जब आए तब कृष्ण कहते हैं स्वागतम है महाभागा। बोले जगत में तुम लोग सबसे बड़े सौभाग्यवान हो, तुम सबको मैं स्वागत करता हूँ। यहाँ शिक्षा देते हैं भगवान की कथा में, भगवान की भक्ति में जो आते हैं वो सबके सब महाभाग्यवान व्यक्ति हैं। एक जन्म नहीं करोड़ों जन्म का पुण्य उदय होने पर तभी भगवान की भक्ति, भगवान की कथा और भगवान की भजन में तभी मन लगती है। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती अति हरी कृपा जा पर होई पाप ते ही यह संगत सोई। जिसको ऊपर में भगवान की विशेष कृपा होती है वही व्यक्ति ही भगवान की भक्ति भजन और भगवत कथा में वही आते हैं। बोले श्रीमद् भागवत कथा मृत की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। होता है जैसे हम लोग सात दिन तक कथा सुनेंगे, दो दो तीन तीन घंटा यहाँ बैठेंगे कथा सुनेंगे। अभी प्रश्न होता है भैया हम अपना बहुमूल्य समय तो यहाँ पर क्यों, अगर यही समय को और कहीं बिताते तो
दो तीन घंटा अगर अपना बिजनेस करते, कोई नौकरी चाकरी करते, आप कुछ ना कुछ तो मिलता, माल मिलता। अभी कथा में बैठे कर तुम्हें क्या मिलेगा? कोई प्रश्न कर सकता कथा में बैठे कर क्या मिलेगा? तो भागवत में श्री राधा रानी ये बात को कहती है, देखो ये कथा में तुम्हें जितने लाभ मिलेगा ना, और इसी में भी तुम्हें इतना लाभ नहीं मिलने वाला। कोई भी आप बिजनेस करो, हो सकता है आप उसमें फेल हो सकते हो, लेकिन भक्ति की जो बिजनेस किए हैं ना, अभी तक तो कोई फेल नहीं हुए। आप बताओ, हनुमान जी फेल हुए हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी फेल हुए हैं? मीरा जी फेल हुई है? ध्रुव प्रहलाद फेल हुए हैं? वो कोई फेल ही नहीं हुए, सबके सब सक्सेसफुल हुए। इसलिए मीरा कहती हैं, दिन दिन भरत सवायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। इसलिए मीरा कहती हैं, दिन दिन भरत सवायो, ये भक्ति में कभी भक्ति घटती नहीं, भक्ति हर समय बढ़ती है, कभी भक्ति घटेगी नहीं। यहाँ पर श्री राधा रानी कहती हैं, अगर आप लोग ये कथा सुनोगे ना, कितना लाभ मिलेगा? राधा रानी कहती तुम्हें 8 लाभ मिलेगा। कितना लाभ मिलेगा? 8 लाभ। कितना मिलेगा? 8। हाँ, अभी मैं सुनाऊंगा और कल आपसे सुनूंगा, ठीक है? कल मैं आपसे सुनूंगा, अभी आपको मैं सुनाऊंगा, इसलिए ध्यान देकर सुनना, जैसे कल आप मेरे को सुना सके जो मैं सुनाऊंगा, ठीक है? देखिए राधा रानी कहती है, बोले तब कथा अमृता जीवन तुम क्या नारद जी का काम करते हो, मतलब क्या झगड़ा लगाते हो, हैं?
एक दिन श्री नारद जी घर में आए, शंकर जी बैठे हुए थे भजन में। इतने में नारद जी आकर के माता जी को बोले, बोले माता जी आपका दुख देख करके मेरे को बड़ा दुख होता है। बोले किस चीज का दुख आपका ठीक था? बोले नहीं, हम आपको बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन आपका कष्ट को देख करके मेरे को बड़ी कष्ट लगता है। बोले बताओ ना। बोले बोल कर क्या आपका बेकार बात है, कोई जरूरत नहीं बोलने की। देखो अगर माताओं को आधी बात बता दो ना, उनका अंदर में चैन नहीं पड़ती। बोले भैया क्या बात क्या है, नारद जी ऐसे क्यों कह रहे हैं, क्या दुख है? बोले बताओ तो सही बात क्या बताओ तो। बोले देखो आपको पता है शंकर ने कहीं दूसरे शादी भी किया, आपको पता है? बोले क्या शंकर ने दूसरे शादी किए? अभी तक तो हमें ये बात बताई नहीं, हमें तो ये बात बताई नहीं तो दूसरे शादी किए। देखो स्त्रियां सब चीज को सह सकती हैं, लेकिन अगर उनको पता चले मेरे पति और किसको शादी किए प्रेम किए ना, स्त्रियां कभी ये बात को सह नहीं सकती। अभी पार्वती सुनकर तो बड़ी नाराज हुई। बोले जानते हो उनका शरीर में जो राख मले हुए किसकी राख है? मैं पता ही है राख। बोले नहीं। बोले इसलिए तो आपको दुख को देख करके मेरे को बड़ा तकलीफ होता है। बस नारद जी बोले देखो आप ये शंकर जी को ये बात पूछना, उनमें सारी बात को बता देंगे। इतने में नारद जी को ये बात बोल के चले गए। इतने में शंकर जी बैठे हुए थे भजन में, जब उनके ध्यान खोले तो उन्होंने पार्वती को बोले जय राम श्री। बोले जय राम जी, पार्वती कुछ बोली नहीं। बोले जय राम जी, बोले सुन रही कि नहीं? कल मैं क्या बहरा बहरी थोड़ी हूँ, सुन रहे? बोले थोड़ा आ जाओ। बोले जो पहले वाली को उसको बुला लो, मेरे को बुलाने का जरूरत है। अभी तो शंकर जी समझ गए भैया दाल में कुछ काला है, हाँ ये दाल में ये नारद जी आए थे, ये तो लगता है कुछ उल्टा पुल्टा पट्टी बढ़ा कर जाएंगे। इतने में शंकर जी बोले तेरी कसम है। देखो अगर बोल दे तेरी कसम है ना, तुम स्त्रियाँ मेरे सह नहीं सकती, तो जरूर बोले। बोले बताओ क्या बात किया है? बोले आप दूसरे भी शादी करके रखेंगे, बात तो हमें कहीं पता ही नहीं। आपकी दूसरी पत्नी कौन है, आप किसको शादी किए? अभी तो की बात आप मेरे को बताए नहीं कभी। बोले बताओ आपको गले में जो ये मुंडक की माला है ना, नारद जी बता कर गए थे। बोले पूछना गले में ये मुंडक की माला किसके, उनको पूछ लेना, तब सारे रहस्य खुल जाएंगे। इतने में बोले आपकी गले में ये मुंडक की माला किसकी है, जिस माला को आप कभी त्याग नहीं देते हो? शंकर जी बोले पार्वती ये तुम्हारी मुंडक की माला, मेरी मुंडक तो मेरे शरीर में, आपकी गले में कैसे आ गए? बोले पार्वती तुम्हें पूर्व जन्म की बात तुम्हें याद नहीं, पूर्व जन्म में तुमने सती थी। एक समय तेरे पिताजी उन्होंने कुंभ मेला में एक उन्होंने एक यज्ञ की अनुष्ठान की, लेकिन वो यज्ञ की अनुष्ठान में सारे देवता लोग आए थे। तेरे जो पिताजी दक्ष प्रजापति जब प्रवेश किए, सबके सब खड़े होकर तो सम्मान किए, लेकिन केवल हम दो व्यक्ति खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा जी और मैं। और तुम्हारे पिताजी मेरे को इतने अपमान की भरी सभा में, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं बताया, मेरे को इतने गाली गलौज की, फिर मैं भरी सभा से चला गया। फिर मेरे को अपमान करने के लिए कनखल में हरिद्वार गए हो, हरिद्वार कौन बन गए? अब कनखल में गए होंगे जहाँ पर सती ने शरीर त्याग की। कनखल में फिर उसने यज्ञ की, लेकिन सबको तो निमंत्रण दिया, केवल मेरे को उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया। लेकिन तुमने मैं नहीं बोलने पर भी तो जोर जबरदस्ती गई पिताजी के घर में। तुमने देखा सभी की सम्मान है, सभी के लिए यज्ञ भाग है, केवल मेरे लिए यज्ञ भाग नहीं है। इसको देख करके तेरे को सहन नहीं हुआ और भरी सभा में वहीं पर तुमने शरीर को त्याग दी सती। लेकिन तू मेरी बड़ी प्यारी हो, क्योंकि जब जब मैं तेरे को कथा सुनाता हूँ बड़ी ध्यान से तुम कथा सुनती हो, इसलिए तेरे मुंडक के मेले गले में माला धारण कर रखी। पार्वती बोली प्रभु पहले तो मैं सोच रही थी आप भोले बाबा हो, लेकिन अभी मेरे को पता चला आप कपटी बाबा हो। बोले क्यों? बोले आप ऐसे कौन सा अमर बोटी को आपने पान कर लिए, आप मरी नहीं रहे? मैं मरती जा रही हूँ। आप ऐसे कौन सा अमर बोटी को पान किया? देखो शंकर स्वयं कहते हैं
बोले पार्वती जब से मैंने ये भागवत कथा रूपी अमर बोटी को पान की तब से मैंने ये अमरत्व भी प्राप्त की। पार्वती कहती है प्रभु मेरे को भी कथा सुना दो, मैं भी अमर बन जाऊंगी आप भी बन जाओगे, दोनों आनंद से रहेंगे, मैं मरती जा रही हूँ मर ही रहे हो। शंकर जी बोले पार्वती ये कथा तो सब नहीं सुन सकते क्योंकि भागवत ने बताया बहु नाम जन्म नामांते, एक जन्म नहीं करोड़ों जन्म का पुण्य उदय होने पर तभी ये भागवत कथा कोई सुन सकते हैं। पार्वती बोली प्रभु मैं तो सुन सकती ना। बोले हाँ तुम्हारे अंदर में श्रद्धा भक्ति तुम सुन सकती हो। बोले फिर सुना। बोले यहाँ नहीं चलो तेरे को हम अमरनाथ ले चलते हैं, वहीं पर एकांत में ये कथा सुनाऊंगा। बोले पार्वती जब मैं कथा सुनाऊ आंख बंद करके सुनाऊंगा और तू हुंकार भरते रहना। बोले ठीक है प्रभु जी। शंकर जी जयकार दिए बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। शंकर जी कथा सुना रहे हैं, माँ पार्वती श्रवण कर रही हैं। ऐसे करते करते बीच में माँ पार्वती सो गई। उसी वृक्ष के ऊपर में एक तोता बैठ करके कथा सुन रहा था। उसने देखा माता जी तो सो गई, शंकर जी कथा सुनाना बंद कर देंगे, क्यों हुंकार भरना बंद हो गया। अभी वो तोता भी हुंकार धीरे धीरे भरते रहा। जब कथा पुनः समाप्त हो गई फिर शंकर जी दो बार जयकार लगाए। जब उन्होंने दो बार जयकार लगाए बोले श्रीमद भागवत कथा मृता इतने मैया जग गई। बोले उसको बाद में क्या हुआ। बोले ये कथा तो विश्राम हो गई समाप्त तो हो गई। बोले नहीं मैं बीच में सो गई थी। बोले तू तो हुंकार भर रही थी। बोले नहीं तू सुन रही थी, हुंकार कौन भर रहा था। बोले नहीं मैं तो बीच में सो रही थी सो गई थी। शंकर जी ने सोचा ये कथा अमर कथा है, जो इसको सुनेगा वो मरेगा नहीं, कोई अनधिकारी पापी ने तो कथा नहीं सुन ली। शंकर जी ध्यान लगाया हैं इसलिए किसने ये कथा को सुने। उन्होंने देखा वो वृक्ष गोबर में वो तोता बैठ करके कथा सुन रहा है। फिर तो शंकर जी को बड़ा क्रोध आया, फिर उन्होंने त्रिशूल उठाया उसको पीछे भागी। देखो यहाँ पर शिक्षा दिया है जो कथा है ना साधारण व्यक्ति कथा नहीं सुन सकते, इसलिए शंकर जी सोच रहे हैं ये साधारण व्यक्ति तोता कोई साधारण व्यक्ति नहीं। जब उन्हें तोता की पीछा की वो तोता भटकते भटकते जहाँ जाए शंकर पीछा नहीं छोड़ रहे। वो तोता पहुंचा कहाँ पर बद्रीनाथ में, वहाँ पर व्यास देव अपना पत्नी को भी यही अमर कथा सुना रहे थे और वो कथा सुनते सुनते उसने जम्भाई लिया तो वो तोता ने उनको मुँह में अंदर में प्रवेश कर गया। शंकर जी ने देखा यही पर तोता कहाँ गायब हो गए। व्यास देव जी ने पूछा कहाँ से आ रहे हो हाँपते हाँपते। बोले बड़ा अनर्थ हो गया है। बोले क्या हो गया। बोले एक तोता ने अमर कथा सुनी। बोले अमर कथा का मतलब क्या। बोले सुनेगा तो मरेगा नहीं। बोले सचमुच से आप भोले ही हो, सचमुच से आप भोले बाबा हो, बताओ वो तोता ने कथा सुनी कि नहीं। बोले सुन ली। बोले अगर वो तोता कथा सुन ली आप स्वयं कहते हो ये अमर कथा जो सुनेगा मरेगा नहीं, अब उसको मानने के लिए कैसे पीछा कर रहे हो। बोले भैया अभी तक तुम्हारा याद नहीं था ये बात, कि बात तो सही बात है। इसलिए शंकर जी ने देखा अगर ये तोता कोई साधारण होता है ना वो कभी भी ये भागवत कथा नहीं सुन सकता है, जरूर ये करोड़ों करोड़ों जन्म का कोई पुण्य अर्जन किया। तब शंकर जी ध्यान लगाए कि तोता कौन है। तब उन्होंने सब कुछ उन्होंने दर्शन किया। क्या दर्शन किया। बोले प्रिया सुख श्री वृषभानु जाया पवित्र चंचो प्रिय चुंबन एकांत कनन रहस्य पाठी निकुंज प्रासाद सदा निवासी। तब हमारे से कवि कर्णपुर कह रहे तोता कौन है। बोले राधा रानी का जो निकुंज मंदिर है और निकुंज मंदिर में जो निवास करने वाले राधा रानी जिसको हाथ में बैठा करके कभी कभी अनार की दाना खिलाया करती थी, उसको कृष्ण नाम भी पढ़ाया करती थी। बोला तो कृष्ण कृष्ण
वो तोता भी बड़ी मीठी मीठी स्वरी से बोले कृष्ण कृष्ण है। कभी कभी राधा रानी उनको कृष्ण रूप मान करके राधा रानी उनको चुंबन करती थी। जब चुंबन करती थी राधा जी की जो अधरा मृत ये तोता का मुंह लगा हुआ। इसलिए हम कल सुनेंगे जब श्री परीक्षित महाराज ने प्रश्न की वहां पर 88,000 जैसे लोग थे, लेकिन वो कथा किससे सुने हैं? बोले श्री सुखदेव गोस्वामी से ही कथा सुने, जो सबसे जो छोटा बच्चा उससे ही कथा सुने। बोले इससे क्यों कथा सुने? बोले कारण है उसकी मुंह में राधा जी की ये अधरा मृत लगा हुआ, इसलिए कथा इनसे सुने है, कारण यही है। इसलिए श्री शंकर जी उन्हें सब कुछ दर्शन दिए। जैसे भगवान राम जब ये संसार छोड़कर के गए उन्हें संपूर्ण अयोध्या वासियों को लेकर गए, लेकिन श्री हनुमान को छोड़कर गए। बोले क्यों? बोले हनुमान अगर तू चला जाओगे ना फिर मेरे की कथा को कौन प्रचार करेगा। उसी तरह कृष्ण जब ये संसार छोड़कर गए संपूर्ण गोलोक वृंदावन को ले गए, लेकिन केवल ये तोता को छोड़कर गए। बोले क्यों? बोले तुमने हमारे सारे लीलाओं का दर्शन किया, अगर तुम चले जाओगे फिर हमारी कथा को जगत में कौन प्रचार करेगा। यदि यही तोता ही व्यास देव की पत्नी के गर्भ में प्रवेश की और यही तोता श्री सुखदेव गोस्वामी रूप में जन्म लेकर के सर्वत्र ये भागवत धर्म को प्रचार करेंगे। शंकर जी उन्होंने सब कुछ दर्शन किया है और समझ गए कथा सुनाना सार्थक था हो गया, क्योंकि कथा साधारण व्यक्ति नहीं सुने, श्री सुखदेव गोस्वामी ने ये कथा सुने। इसलिए शंकर जी उनको प्रणाम की और प्रणाम करते हुए वहां से चले गए। इसलिए यहाँ पर देखो ये कथा की कितने महत्व है। यहाँ पर राधा रानी कहती है ये कथा नहीं, ये कथा क्या है? तब कथा अमृतम। ये कथा को जो श्रवण करेगा वो अमरत्व की प्राप्ति करेगी। शंकर जी स्वयं कहते हैं ये कथा सुनकर के मैं स्वयं अमर बना, और जो जगदम्बा जगत जननी माँ देवी तब तक मैं भी शरीर छोड़ते रही, कब तक? जब तक मैंने ये भागवत कथा को नहीं सुनी। मतलब ये कथा को जो श्रवण करेगा इसका पहला फल है उसको अमरत्व की प्राप्ति होगी। बोले कथा सुनने का दूसरा फल क्या है? बोले तप्त जीवनम। तप्त जीवनम का मतलब होता है ये संसार में हम सबके सब दुखी है, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई काम से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई बेटा से दुखी, कोई बेटी से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई सास से दुखी, दुखी दुखी दुखी। ऊपर से जिसको पूछा कैसे वो ठीक ठाक है, लेकिन किसको पास में बैठ गया उसकी अंदर की बात तो सुना। बोले कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी। लेकिन ये राधा रानी कहती हैं अगर कोई भगवान की कथा सुनेगा ना तुम्हारे जो दुख में जीवन है वो शांति आ जाएगी, जीवन में तुम्हारी शांति सुख आ जाएगी। देखो इसका प्रमाण देखो, अब अभी अभी इस प्रमाण को देख लो। हम संसार में सबके सब दुखी है, लेकिन आप देखना जैसे 2-3 घंटा यहाँ बैठोगे ना, जब तक यहाँ बैठोगे आपके संसार का कोई दुख तुम्हें याद है? बताओ कोई संसार के दुख तुम्हें याद नहीं, केवल आप गेट से बाहर निकलो। ये कथा पैंडल से केवल बाहर निकलो, घर में जाने पर ये होगा, घर में जाने पर ये होगा, ये दुख, ये तकलीफ, ये परेशानी, केवल ये कथा मंडप से बाहर निकलने का साथ साथ सारे दुख पहाड़ रूप में सर पर बैठ जाएगी। लेकिन जब तक आप कथा में बैठोगे ना, कथा में बैठे मतलब कहाँ बैठे जानते हो? बांके बिहारी की गोद में बैठे, कथा में नहीं। ये कथा साक्षात भगवान कृष्ण है, कथा नहीं सुन रहे हो, ठाकुर जी की गोद में यहाँ पर बैठे हो। ये कौन कह रहे हैं? बोले राधा रानी स्वयं ये बात को कह रहे हैं। इसलिए बोले तप्त जीवनम। बोले इसका तीसरा फल क्या है? बोले कलमसा आपा। बोले जीवन में ये जितने दुख कष्ट हम क्यों भोग कर रहे हैं? बोले ये हमारी प्रारब्ध है। प्रारब्ध मतलब पहले हमने जो जो कर्म करके आए वो कर्म का फल यहाँ पर भोग कर रहे हैं। लेकिन ये कहती है प्रारब्ध ऐसे एक चीज है
कहते बड़े बड़े ज्ञानी, रूप गोस्वामी कहते हैं बड़े बड़े ज्ञानी भी ये प्रारब्ध को समाप्त नहीं कर सकते। मतलब पहले तुमने जो कर्म करके आए उसको भुगतना पड़ेगा तुम्हें, लेकिन राधा रानी कहती है ये प्रारब्ध भी तुम्हारी नष्ट हो जाएगी। कथा सुनो, ये कथा भगवान के नाम, भगवान की भक्ति, भगवान की कथा में इतने शक्ति कि तुम्हारी पूर्व जन्म का सारे पाप खत्म हो जाएगी। हम आगे सुनेंगे धुंधुकारी, उसने इतने पाप उसने किया था, पिताजी को इतने पिटाई कि पिता घर से चले गए, माँ को इतने परेशानी की, माँ कुएं में आत्महत्या की, छह छह वेश्याओं को बुला करके ले आए, डाकू गुंडागर्दी, ऐसे कोई पाप नहीं किए थे। जब उनका नाम पर गया में पिंड दिया तब भी उसकी मुक्ति नहीं मिली। गोकर्ण ने कहा तेरे नाम पर गया में पिंड दिया तेरे को मुक्ति नहीं मिली। बोले भैया मैंने इतने पाप किया, एक बार क्यों? ठाकुर जी बोले अपना पूर्वजों के नाम पर एक बार के बोले पिंड देकर गया मेरा मुक्ति मिल जाएगी। बोले मेरे नाम पर एक बार क्यों? बोले 100 बार भी मेरे नाम पर पिंड दे तभी मेरे को मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन इतने बड़े पापी को मुक्ति मिली कैसे? बोले पापी को मुक्ति मिली केवल ये भागवत कथा से। मतलब है बड़े से बड़े तुम्हारी अगर पाप हो, अगर अपने भगवत कथा को सुने, भागवत कथा को सुने, तो तुम्हारे सारे पाप तुम्हारी नष्ट हो जाएंगे, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इसलिए बोले कलम सा अभम, बोले श्रवण मंगलम। मतलब है आप कथा में बैठने का साथ साथ ही आपका जीवन में मंगल शुरू हो गया। इसलिए कहते ना मंगल भवन अमंगल हरि, भगवान की कथा जीवन का सारे अमंगल को दूर कर देते हैं। केवल कथा में बैठने का साथ साथ तुम्हारे सारे अमंगल खत्म हो रहे हैं, सारे अमंगल तुम्हारे खत्म हो रहे हैं और जीवन में तुम्हारी मंगल शुरुआत हो गई। मंगल देखो आपके की छोटी सी रामायण की कथा सुनाता हूँ। अगर आप अनजान में भी, आपको पता नहीं भागवत भागवत क्या होता है, आप कैसे केवल भूल से यहाँ पर आकर बैठ गए। इसलिए यहाँ पर श्री वाल्मीकि जी ये वाल्मीकि रामायण रचना करने से पहले ये कथा की महिमा को वाल्मीकि बता रहे हैं। बोले एक समय पृथ्वी लोक में एक राजा रानी थे जिनका नाम सुमति और सत्यवती था। लेकिन राजा रानी होते हुए भी उन्होंने, उनको घर में राम दरबार है लेकिन कोई नौकरों को द्वारा वो सेवा नहीं करवाया करते थे। आप लोग को ध्यान देकर सुना, ठाकुर जी की सेवा पूजा करने की कितने पुण्य है, वो किसी नौकर से सेवा नहीं करवाया करते थे। अगर किसी राजा के पास में ज्यादा पैसा हो जाए ना, भले ही एक मंदिर को बना देगा लेकिन स्वयं सेवा नहीं करेगा, वो पैसा देकर कोई नौकर को रखवा देगा। लेकिन यहाँ पर राजा रानी होते हुए भी अपना हाथों से दोनों सेवा करते थे ठाकुर जी की, मंदिर साफ करना, ठाकुर को श्रृंगार करना, ठाकुर जी को भोग लगाना, ठाकुर जी को आरती उतारना। अगर थोड़ी सी समय मिलता ना, मेरे तरफ में देखो, राजा रानी दोनों ऐसे माला लेते थे और माला लेकर के दोनों बैठ करके बोले रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीतारा, जय 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 राजा रानी बैठ करके माला जप करते थे। अगर थोड़ी सी ज्यादा समय हो
राजा स्वयं बैठ करके ये वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं और रानी सामने बैठ करके कथा सुनते हैं। एक ऋषि थे जिनका नाम था विभांड ऋषि। इन्होंने देख करके आश्चर्य हो गई, देश का राजा रानी और अपना हाथों से ठाकुर का सेवा और दोनों माला जप करते हैं और बैठ करके प्रभु की कथा सुनते हैं, उनको बड़ा आश्चर्य लगा। उन्होंने पूछा, महाराज महारानी ये बताओ, आपको ये भक्ति में इतने लगन कैसे लगी, आपको प्रभु के भजन में इतनी रुचि कैसे हुई है, ये तो बड़े बड़े संतों का जीवन में भी नहीं देखने को मिलती है। इतने में राजा बताए, महाराज आप संतो हो, संतों से कोई बात नहीं छुपानी चाहिए, इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं अपन भजन कथा ना कही में जता कथा, मतलब है अपना भक्ति की बात सब जगह में मत कहा करो। जैसे आप बढ़िया कोई स्वप्न देखा गुरु जी की, नहीं तो ठाकुर जी की, कोई बढ़िया स्वप्न देखा वो स्वप्न सबको मत बताया करो, अरे हमने ठाकुर जी का इसे स्वप्न देखा भगवान जी से, नहीं सबको मत बताया करो। सबको बताओगे ना जो नास्ती की नहीं मानते हो बेकार से बात करे, भगवान को स्वप्न देखा तब क्या होगा, तुम्हारी भावना नष्ट हो जाएगी। बोले किसको ये बात बताओ, बोले जो बात तुम्हारी जो समझेगा, जो भक्त तुम्हें आगे उत्साह देगा, बहुत अच्छी चीज स्वप्न देखा है, भगवान की भजन करो बढ़िया बढ़िया स्वप्न, जो तुमको भक्ति में बढ़ाने वाले उन्हें केवल बतानी चाहिए, सबको मत बताया करो, मना कर दिए नरोत्तम दास ठाकुर। अभी उन्होंने जब उन्होंने बोले, महाराज मैंने ये बात किसी को नहीं बताया, मैं जाति स्वरूप हूँ, मेरे चार जन्म की बात मेरे को याद है। बोले चार जन्म की बात याद, बोले हाँ हरे कृष्णा हरि बोल, वो जो पानी दे रहे हो अभी नहीं, जब कीर्तन होगी थोड़ी देरी बाद में पानी देना, कथा के बीच में पानी नहीं देना, अभी कीर्तन होगी सबको पानी भर करके ले आ जाओ पानी। इसलिए उन्होंने बोले देखो ये बात मैंने किसी को बताया नहीं, आप संत है ना, संतों के पास में कोई कपड़ता नहीं करनी चाहिए, संतों के पास में कोई कपड़ नहीं करनी चाहिए, हृदय खोल कर रख देनी चाहिए, नहीं तो आगे हम बढ़ नहीं सकते हैं। लेकिन दुष्टों को नहीं बताओ, लेकिन केवल गुरु जी की और संतों को हृदय की बात बताओ, और गुरु जी के पास में तो कभी हृदय छुपा ही नहीं चाहिए, नहीं तो फिर वो फोड़ा से ना फिर तो बवासीर बन जाएगी। इसलिए गुरु जी के पास में सारे हृदय की बात खोल करके बोल देनी चाहिए। बोले आप तो गुरु हो साधु हो, बोले मैं जाति स्वर हूँ, मेरी चार जन्म की मेरी बात याद। बोले चार जन्म की, बोले हाँ, बोले बताओ, बोले चार जन्म से पहले मैं बहुत बड़ा दुष्ट था, ऐसे कोई गंदा काम जो मैंने नहीं किए, और मेरी जो पत्नी देख रहे हो ये चार जन्म से पहले इसका नाम थी काली, उसने तो अपना पति को ही गला काट दिया, अभी हम दोनों को घर से निकाल दिए, अभी दोनों जंगल में भ्रमण करते करते जब दोनों मिले, बोले भैया अकला जीवन नहीं बीत रहा है, हम दोनों इकट्ठे रहने लगे, हम जानवर को मार करके किस तरह से अपना पेट को पालते थे, लेकिन जब हम दोनों वृद्ध हो गए हमसे और आहार संग्रह नहीं हो रहा है, बड़ी कष्ट से अपना जीवन बिता रहे थे। एक दिन देखा वशिष्ठ जी का आश्रम के पास में था, जैसे यहाँ पर आप लोग बैठे हैं ना, हमने देखा कुछ लोग वहां पर बैठे हुए, हम वहां दोनों गए, बोले क्या बात है, बोले देखा वहां पर 9 दिन तक प्रभु राम की कथा होगी, रामायण होगी, और जो राम कथा सुनने आएगा कथा के बाद में प्रसाद की भी व्यवस्था है। हम तो खुश हो गए, भैया 9 दिन के लिए खाने पीने का कोई चिंता नहीं, आओ कथा में बैठो फिर प्रसाद मिल जाएगा। केवल हम प्रसाद के लोभ से जाकर बैठते थे, लेकिन बैठेंगे तो कान में तो कुछ कथा तो सुनाई पड़ेगा। जब ऐसे 9 दिन बीत गई, कुछ दिन बाद में हम दोनों की मृत्यु हुई, अभी जमदूत हमें पकड़ करके ले गए, चित्रगुप्त को बोले इसका कापी खोलो, कितने पाप और कितने पुण्य किए। बोले महाराज जी ये दोनों बड़े दुष्ट हैं, ये दोनों बड़े दुष्ट हैं, सारी गंदे काम को किए। बोले भैया कोई थोड़ी बहुत तो पुण्य भी तो होएगा। बोले हाँ ये वशिष्ठ जी के आश्रम में 9 दिन का कथा सुने और उसको बाद में भगवान की प्रसाद पाए। बोले जब इतना बात चित्रगुप्त सुना हमारा सामने, जब महाराज बोले
इनके सारे पाप को काट दिया गया, उनने सारा पाप को वहां पर काट दिए और हम दोनों को रमा बैकुंठ में 100 साल के लिए भेजा। वहां पर इतने ऐश्वर्य भोग किया जो आप वर्णना नहीं कर सकते। उसको बाद में ब्रह्मलोक में आए, वहां भी 100 साल तक रहे। उसको बाद में स्वर्ग में इंद्र इंद्राणी बन करके सारे ऐश्वर्य को भोग की। और इसको बाद में ये देश का राजा रहे। आप तो हम 18 बार देख ही रहे हो। हमें 4 जन्म की बात हमें याद है। अगर अनजान में प्रभु की कथा में बैठ गए, अगर ठाकुर जी की प्रसाद पा करके अगर इतने पुण्य हो सकती हैं, इसलिए हम पति पत्नी दोनों ये समय को नष्ट नहीं करके हम अष्टजाम 24 घंटा ठाकुर का नाम कीर्तन भजन पूजा और पाठ लगा रहे हैं। जैसे आप लोग यहाँ कथा सुन रहे हैं ना, कि जो कथा सुन रहे हो, जब आप जाओगे ना उधर, जब चित्रगुप्त कापी खोलेगा देखना वहाँ सारी लिखा हुआ मिलेगा। आप लोगों ने 7 दिन तक ये भागवत कथा सुनी। अब ये कौन सा महीना अभी आएगी? परसों से पुरुषोत्तम महीना आएगी। कौन सा महीना आएगी? ये पुरुषोत्तम महीना की थोड़ा कथा सुन लो। देखो ये महीना में भागवत सुनने का कितना पुण्य है। कहते वो महीना को साधारण व्यक्ति मल मास कहते हैं। क्या कहते हैं? मल मास क्यों कहते हैं? हर महीना में कुछ कुछ दिन बचती है, बचते बचते 3 साल में वो हो जाता है 1 महीना हो जाती है। हो जाने पर 3 साल के बाद में एक बार ये महीना आए, इसलिए मल कहते हैं। मल क्यों? ये हर दिन कुछ समय बचते 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 वो 1 महीना होता है, इसलिए उसको मल कहते हैं। फिर ये महीना आ जाए, आपको पता होगा घर में कोई शादी नहीं करवाएंगे इस महीना में, कोई गृह प्रवेश नहीं करेगा, कोई शुभ कर्म को नहीं करेंगे इस महीना में, हैं? इसी महीना में सारे शुभ कर्म को बंद कर देते हैं। एक दिन ये महीना की जो अधिष्ठात्री देवता एक दिन दुखी हो गया, बोले बेसतर में 3 साल में आता हूँ, 3.5 साल में एक बार, फिर दुनिया मेरे को मलमास मलमास, गंदा मास है ना, कभी हमको फिर मलमास मलमास कहते हैं, फिर गाली देते हैं मलमास, फिर आ जाए भैया कोई बात नहीं, फिर कोई शुभ काम नहीं करते, शादी विवाह गृह प्रवेश फिर कोई शुभ काम ही नहीं करते, इसलिए इतने दुखी हो गया, इतने दुखी हो गया, बल ये प्राण को मैं त्याग कर दूंगा। उसने भगवान श्री पुरुषोत्तम के पास में गई। पुरुषोत्तम कौन है? श्री जगन्नाथ जी। इसलिए जगन्नाथपुरी का एक नाम है श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, क्योंकि श्री जगन्नाथ जी कौन है? ये साक्षात भगवान कृष्ण स्वयं, ये पुरुषोत्तम धाम है। उन्होंने पहुंचे पुरुषोत्तम क्षेत्र में, बोले ठाकुर जी मेरे को अब जान से खत्म कर दो, मैं तो आपका चरण में शरणागत हो गया। सीधा जगन्नाथ जी के चरण में लेट गया, बोले मेरे को समाप्त कर दो। बोले क्यों? बोले क्यों किया? मेरे को आपने क्यों जन्म दिया है? ऐसे जन्म को कोई जन्म कहते हैं? 3-3.5 साल के बाद में आऊंगा, दुनिया मलमास कहेंगे, फिर कोई अच्छा काम नहीं करेंगे, फिर तो जीवन रख करके क्या लाभ, मेरे को जान से खत्म कर दो। लेकिन इसे जगन्नाथ जी कहते, देख बेटा तुम मेरे शरण में आ गए हो, इसलिए कहते ना मंगल भवन अमंगल हरी। कोई भी व्यक्ति, आप किसी स्थिति में क्यों नहीं हो, अगर आप ठाकुर जी की शरण में चले गए ना, दुनिया में आप सर्वश्रेष्ठ बन जाओगे। बताओ हनुमान जी कौन से जाति में जन्म लेंगे? बंदर। किसी घर में घुस जाएगा बंदर, बोले भैया अपवित्र हो गया है। प्रहलाद कौन सा वंश में था? राक्षस वंश में है। सुग्रीव कौन सा वंश में? बोले बंदर। और श्री सबरी भगवान जी का झूठा बैर गाय, वो सबरी जाति में जन्म लिए हैं, सबरी जाति में, गुहक चंडाल जाति में। लेकिन ये सबके सब प्रभु की शरण में आए तो दुनिया में सबसे बड़े हो, दुनिया में सबसे बड़े ये हो गए। इसलिए भगवान ने कहा, देखो तुमने मेरे शरण में आ गए हो, आने का नाते जैसे मेरा नाम श्री पुरुषोत्तम है, पुरुष में जो उत्तम है, आज से तेरा नाम भी श्री पुरुषोत्तम मास पड़ेगा। ये महीना में तो साधारण जो कर्मी व्यक्ति ये कोई अच्छे काम नहीं करेंगे,
लेकिन मेरे जो भक्त लोग हैं ना तेरे को बड़ी आदर देंगे। बोले क्यों आदर देंगे? भक्त लोग ये चाहते हैं हमें ज्यादा से ज्यादा समय मिले और हम भगवान की भजन करें, भगवान की भक्ति करें, हैं? भक्ति करें चाहते हैं। फिर उनको तो वैसे ही 12 महीना है, लेकिन ये 1 महीना ज्यादा हो गई, हो जाने के बाद क्या होगा? भक्त लोग खुश हो जाएंगे, भैया हमें तो 1 महीना ज्यादा मिल गया, इसलिए 1 महीना में क्या करो, ज्यादा से ज्यादा भगवान की हरि कथा सुनो, हरि नाम करो, वृंदावन धाम जाओ, गोवर्धन की परिक्रमा लगाओ, ठाकुर जी की स्तुति स्तव करो, भगवान की भक्ति करो। इसलिए तेरे को मेरे जो भक्त जन बड़ी आदर तेरे को करेंगे। अब मैं तेरे को बड़वा आशीर्वाद देता हूँ, इसी महीना में जैसे आप 1 माला करोगे ना, माला तो 1 करोगे लेकिन 100 गुण ज्यादा फल मिलेगा, 1 माला करोगे 100 माला करने की फल मिलेगी। एक बार तुलसी परिक्रमा की ना 100 बार परिक्रमा करने की फल मिलेगी, एक बार गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा कर दिया 100 बार परिक्रमा करने की फल मिलेगी। इसी महीना में थोड़ी सी जैसी कथा सुन रहे हो, इसी महीना में जैसे ये पुरुषों का महीना आएगी, परसों आएगी, इसमें अगर थोड़ी सी कोई मेरी कथा सुने उसको मेरी चरण में भक्ति और प्रेम मिलेगा, ये भगवान ने वरदान दिया है। इसलिए इसी महीना में आप देखोगे ना, आप कभी इसी महीना में गिरिराज गोवर्धन जाओ, देखना इतने भीड़ मिलेगी, इतने लोग परिक्रमा करने जाते हैं वृंदावन में, कोई कोई नियम बनाते हैं, पूरा महीना के महीना हम परिक्रमा करेंगे। और विशेष करके इसी महीना में श्री जगन्नाथपुरी का भी विशेष महत्व, क्यों? श्री जगन्नाथ जी का नाम श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र है, इसलिए इसी महीना में कोई जगन्नाथपुरी, कोई वृंदावन, कोई द्वारका, सबके सब इसी महीना में, कोई चार धाम, सबके सब दर्शन करने के लिए जाते हैं। इसलिए इसी महीना में ये जो भागवत कथा हो रही है इसकी बड़ी महत्व है। बोले श्रीमद् भागवत कथा जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। देखो आज जो कथा सुनने के लिए आए ना, कल हमारे बड़े गुरुजी कहते थे कि एक एक व्यक्ति 10-10 भक्तों को लेकर के आना, तब हमारे बड़े गुरुजी कहते थे आप जिसको कथा में लेकर के आओगे ना उसको जो पुण्य मिलेगा, जो लाने वालों को उसका आधा पुण्य मिल जाएगा। जैसे किसी व्यक्ति अगर चोरी में लगा दो, नहीं तो जिसको कोई शराब पे, उसे पाप लगेगी, लेकिन ये भक्ति भागवत कथा सबसे बड़ा पुण्य है। अगर जिसको कथा में लाओगे पुण्य तो आपको मिलेगा, हैं? पुण्य मिलेगा, उसका आधा पुण्य अपने आप को मिल जाएगा। इसलिए कल कितने कितने भक्तों को लेकर के आओगे, कितने कितने लाओगे? 10-10 बिहारी राम की जय, जय श्री राम, वृंदावन बिहारी की जय, जय श्री राम। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, इदान और पात पात कर श्री राधे 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 सब बाधा मिट जा, कोटि जनन की आप दान श्री राधा नाम दे जा। तो ये वृंदावन कौन कौन जाएंगे? श्री राधे वृंदावन सभी लोग जाएंगे, तो ये सब ये नाचते कूदते भाई चलेंगे वृंदावन। अरे वृंदावन धाम अपार, वृंदावन धाम अपार।
I'm
सभी हाथ उठा के, हाथ उठा कर क्या बोलना है आपको? जोर से बोले क्या बोलना है? और जोर से सभी लोग हाथ उठा के एक बार और हाथ उठा कर ताली बजा के बोलना है। जैसे जिसको सुविधा हो आप लोग वैसे कथा सुन सकते हो।
लेकिन एक बढ़िया नियम है, एक बार भोजन करो बढ़िया से और एक बार फलाहार करो, ये सबसे बेस्ट नियम बताएगी, ठीक है ना। अभी हमारे बीच में श्री कमल प्रभु जी, ये हमारे गुरु जी के पुराने शिष्य है, बहुत पुराने शिष्य और बहुत अच्छी हरि कथा बोलते हैं। इनमें थोड़ा भागवत की थोड़ी सी महिमा बताएंगे, इसको बाद में फिर आरती होगी, फिर आरती लेकर के प्रसाद लेकर सबको समझाना, ठीक है। हाँ फिर हरे कृष्ण। ये बच्चे लोग इधर बात मत करो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले श्री व्यास पीठ पे विद्यमान पूज्य पार्षद भक्तिवेदांत श्रीधर महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। उसके बाद उनके साथ आए हुए जो भी हमारे भक्तगण हैं, ब्रह्मचारी भक्तवृंद और कीर्तन करने वाले प्रभु जी, उन सबको भी दंडवत प्रणाम। यहाँ कथा श्रवण करने आए दूर दूर से जितने भी भक्त हैं, आप सबको भी मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। समय की मर्यादा का आदर करते हुए मैं बहुत अधिक आपसे इतना विशेष कोई नहीं समय लूँगा आपका। कल आप सब ने एक तरह का मॉडर्न फेस्टिवल मनाया था, कौन बताएगा कल आपने क्या मनाया था? मदर्स डे। इन माता जी के लिए बहुत बहुत तालियां बजाएंगे हम। देखिए आप अधिकांश यहाँ पर माता बहन नहीं बैठी हुई हैं, हम उस विषय पे तो नहीं चर्चा करेंगे कि भारतीय संस्कृति में ऐसा कुछ नहीं है कि हम एक ही दिन माँ के लिए वोट करें, ये तो फॉरेन कंट्रीज की देन है, परंतु फिर भी कोई बुराई नहीं है, कम से कम एक दिन ही माँ की महत्ता सबको समझ तो आती है। तो हमने अपने गुरुजनों से एक बात सुनी कि वास्तव में जो हमारी माँ, जो एक बहुत प्रमुख, बहुत सारे कार्य करती है माँ बिना रुके अथक आपके लिए, सारा हमारा जीवन वास्तव में देखा जाए तो माँ की देन होता है पूरा पूरा। परंतु माँ का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, वो ये कि अगर कभी बच्चे को ये जानना हो कि उसके पिता कौन है, तो उसको बताने का जो ज्ञान उसको मिल सकता है वो दुनिया में कौन दे सकता है? आप कभी विचार किए इस विषय पर? उसके पास दो तरीके हैं, या तो अपनी माँ से पूछ ले, और या फिर वो सारी दुनिया में हर पुरुष के पास जाए, क्या आप मेरे पिता हैं, आप मेरे पिता हैं। कौन सा तरीका ज्यादा आसान है? लगभग 700 करोड़ लोग दुनिया में हैं, अगर 50% पुरुष मान लिए जाएं, तो या तो हम 300-350 करोड़ लोगों के पास उस बच्चे को जाकर के पूछना पड़ेगा कि क्या आप मेरे पिता हैं, या वो सीधा अपने घर में अपनी माँ से जाकर के प्रश्न पूछ सकते हैं कि मैया मेरे पिताजी कौन है। तो गुरुजन समझाते थे कि वैसे ही इस जीवन में, जो मनुष्य जीवन जब हमें मिला है, तो हम सबको सबसे पहले जो वेदांत सूत्र कहते हैं, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि अब तुम्हें मनुष्य जीवन मिला है तो सबसे पहले जिज्ञासा करो कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, और यदि तुम्हारे कोई पिता हैं, भगवान हैं, कोई भी ऐसे परम तत्व हैं, तो उनके बारे में जानो। इसी जीवन में ही समझ सकते हो, और किसी जीवन में ये सुविधा नहीं है। तो अब हमारे पास क्या रास्ता है, हम कैसे उन प्रभु को जानेंगे, या जो भी हैं वो जनों ने हमें जन्म दिया या भेजा, किसने भेजा, कहाँ जाना है, तो उसके लिए क्या बोला गया, किसके पास जाओ? वेदों के पास जाओ। वेद हमारे माँ हैं, वो ही बता सकते हैं, इशारा कर सकते हैं कि आपके जन्म देने वाले जो प्रभु हैं वो कौन है। तो वेद कलयुग चल रहा है, वेद लाखों श्लोकों के इतने महान महान उसमें ग्रंथ हैं, तो हमारे लिए संभव नहीं। संस्कृत ज्ञान में अभी विचार करें, हमें से कितने लोग संस्कृत से ज्ञाता हैं, बहुत मुश्किल से कोई मिलेंगे, और फिर उसके बाद उनको उच्चारण करना समझना बहुत कठिन है। तो वेद व्यास जी ने वेदों को चारों भागों में बांटा, उसके बाद उन्होंने साधारण जनता के लिए महाभारत की, वेदांत सूत्र की जब सारी रचना कर ली, उसके बाद भी वेद व्यास जी इतने प्रसन्न नहीं थे, और उनकी इस अप्रसन्नता के समय उनके गुरु श्री नारद जी वहां पर आए और उन्होंने पूछा कि आप क्यों अप्रसन्न हैं,
उन्होंने अपने गुरुदेव को प्रणाम किया और उन्होंने अपनी दुविधा बताई कि मैंने संसार के कल्याण के लिए इतने वेद शास्त्रों का सबका विभाजन कर दिया, सब कुछ महाभारत जी की रचना कर दी, लेकिन मेरे को अपने हृदय में भी उल्लास नहीं हो रहा, तो फिर इससे साधारण जीवों का कैसे कल्याण होगा। तो फिर तब नारद जी ने उन्हें कहा कि वेदव्यास जी, आपने सब कुछ किया, कल्याण की कामना से किया, लेकिन अभी तक आपने उस ब्रज के लाला की, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर की, ब्रज की लीलाओं का वर्णन अभी खुल करके नहीं किया। तुमने किसी जगह पे शिव जी की महत्ता को अधिक दिखाया, किसी जगह पे गणेश जी की, किसी जगह पे वैष्णो देवी माता की, किसी जगह पे कुछ बात कही, लेकिन अब तुम एक ऐसे ग्रंथ के माध्यम से संसार को भगवान कृष्ण की सिर्फ मधुर लीलाओं के विषय में बताओ और खुल करके अब ये बताओ कि वास्तव में जो परम भगवान है वो कौन है और उनके और देवी देवताओं इत्यादि के मध्य में अंतर क्या है। फिर व्यास जी ने उनकी कृपा से ये समाधि में भगवान कृष्ण की इन सब लीलाओं का वर्णन अपनी स्वयं दर्शन किया, उनकी अनुभूति करी और फिर उसके बाद ये श्रीमद् भागवतम ग्रंथ, जिसका हम सबको इतने सरलता से अब विश्वास भी नहीं हम कर पा रहे कि कितने हम आराम से, प्रभु जी ने यहाँ पर सारा अरेंजमेंट किया है, जिन्होंने अपने निवास स्थान पर ये कथा करवाई है। मुझे पिछली बार की कथा याद है, वो प्रभु जी बैठ करके सुनते थे, पिताजी महाराज जी के सामने उन्होंने सातों दिन कथा अम्मा जी ने और उनके पतिदेव ने सुनी थी और शायद उसी की जरूर कृपा उनके हृदय में आज इस बार आई है कि उन्होंने यहाँ पर अपने घर में रूबी दीदी ने, संजय प्रभु जी ने ये कथा महाराज जी को निमंत्रण देकर के हम सबके लिए सुयोग करवाया है। तो इतना बहुमूल्य रत्न हमारे हाथों में मिल रहा है और इसका हम प्राइस क्या पे कर रहे हैं, सिर्फ थोड़ा सा समय। और यदि यकीन मानिए एक ही चीज है बस जीवन में समझने की कि हमारे पास दो ही चीजें हैं लाइफ में, एक है धन और एक है समय। तो देखो आप थोड़ा सा समय खर्च कर करके ये तो पता लगा सकते हो कि आपके पास धन कितना है। आप घर जाइए, अभी मार्च का ये अभी आप सब इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करेंगे जुलाई महीने में, तो आपका सीए कहेगा ठीक है मुझे आधा घंटा आप निकालिए, अपना बैंक के बैलेंसेस सारे बता दीजिए, मैं आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दूंगा। यानी कि थोड़ा सा समय व्यतीत किया और ये पता कर लिया कि हमारे सारे बैंकों में, हमारी प्रॉपर्टीज में, हमारे बैंक लॉकर्स में कितना धन है, हमने सीए को ये बता दिया। लेकिन यहाँ पर कौन ऐसा व्यक्ति है जो ये बता सकता है कि पूरा का पूरा धन भी खर्च कर लो तो एक सेकेंड भी समय कमा सकते हो? थोड़ा सा धन खर्च कर करके कुछ भी, कितना मर्जी धन खर्च कर लो, समय नहीं आप ला सकते, लेकिन थोड़ा समय खर्च कर करके धन तो इकट्ठा कर लोगे। तो यहाँ जो हमने सिर्फ 2.5-3 घंटे यहाँ पर 7 दिन के लिए महाराज जी को देने हैं, तो ये हमारे जीवन का एक ऐसा बहुमूल्य हमारे को खजाना मिलने वाला है जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और महाराज जी बड़े चतुर हैं, उन्होंने गीता अपने भागवत के आरंभ में आप सबको बोला कि जो मांगेंगे वो मिल जाएगा, ये कल्प तरु है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो उन्होंने शर्त रखी है कि ध्यान से सुनना, तो मैं आपको एक थोड़ा सा फ्यूचर की एक बात बता सकता हूँ। यदि आप ध्यान से कथा सुनोगे तो आप ये छोटी मोटी जो इच्छाएं मन में आएंगी ना, जो भी महाराज जी ने शुरू में बोला कि कुछ धन चाहिए, कुछ घर बनाना है, ये बनाना है, ये इच्छाएं आप भूल चुके होंगे कि आप ये मांगने के लिए यहाँ पर कथा में आए थे, क्योंकि इसके अंदर आपको ऐसा अमृत मिलने वाला है जो सदा सदा के लिए जीवन की, जिसके लिए शिव जी और जो भी महाराज जी सारी कथाएं सुना रहे थे कि शिव जी क्या धन के लिए सुन रहे हैं या किसी के बच्चे के, उनको तो कुछ नहीं हो तो सारा शमशान की राख लगा करके बैठे हुए हैं, फिर भी वो कथा के अंदर निमग्न है उसके रस में। तो वो रस क्या है, इसको हृदय में टारगेट रखिए कि वो अमृत क्या है जो महाराज जी के पास छुपा हुआ है और वो इसके माध्यम से हम सबको यहाँ पर परोसने के लिए आए हैं। तो बस यही निवेदन करते हुए, कोई त्रुटि भी होगी तो महाराज जी इसको क्षमा कर करके इसका संशोधन कर देंगे। हमारा पीछे वृंदा ने देखो पीछे बुक स्टॉल लगाया है, देखो कथा तो महाराज जी थोड़ा समय आपके साथ हैं फिर चले जाएंगे, लेकिन ये वाणी यदि आप सचमुच इसकी महत्ता समझते हो, तो हमने अपने गुरुजनों को, अपने इन सब महाराजों को देखा है कैसे कैसे ये लोग दिन में प्रचार करते हैं और रात को जाग जाग करके हमारे गुरुजनों ने ये ग्रंथों को लिखा है सुबह सुबह 3-3 बजे उठ कर करके। तो इनमें से छोटी छोटी बड़ी सरल सरल कहानियां हैं, 10-10 रुपए की भी किताब है, ये मत सोचिए कि उससे कोई धन कोई मंदिर चल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, उससे अधिक प्रिंटिंग कॉस्ट आती है। लेकिन उद्देश्य यही है कि ग्रंथों को अपने साथ लेकर के जाइए, अपने बच्चों को भी वो नरसिंह भगवान की जैसे छोटी सी किताब पढ़ी है वो कथा सुनाइए, और ये ग्रंथ जब आपके घरों में जाएंगे तो फिर जो टीवी इत्यादि के माध्यम से जो 24 घंटे गंदगी आ रही है ना घरों में, उसका देखो परिणाम हमें ही भोगना है फिर आगे जा करके।
और यदि ये इन चीजों को सम्मान नहीं देंगे, स्वयं अपने जीवन में इनका आचरण नहीं कर करके दिखाएंगे, स्वयं गीता नहीं पढ़ेंगे, रामायण नहीं पढ़ेंगे और सोचेंगे बच्चे सब राम भगवान जैसे पैदा हो, तो वो संभव नहीं है। कोई ऐसा मैजिक नहीं होने लगा। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पेरेंट एज मदर ये बनती है कि हम अपने घरों का वातावरण ऐसा बनाएं जिससे कि बच्चे उसको हमारे आचरण से देख करके सीखें। बच्चों को बोलेंगे कि टीवी मत देखो और स्वयं टीवी देखेंगे तो उसका असर उनके ऊपर नहीं होगा, एक या दो बार हो जाएगा, उसके बाद वो नहीं मानेंगे। तो अपने आचरण को सिखाना है तो हमें इन ग्रंथों को सम्मान देना होगा, पढ़ना होगा, घर ले जा करके उनको आदर से उनकी अध्ययन करना होगा। तो आज हम बस यहीं पर ही विश्राम दे रहे हैं, अभी आरती होगी, उसके बाद प्रसाद की व्यवस्था जैसी भी है सबके लिए। और हम सभी यहाँ पर विशाखा दीदी के बहुत ज़्यादा हमें धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि ये देखा जाए तो सचमुच जो भी यहाँ पर हो रहा है ये इन दीदी की वजह से हो रहा है। यदि इन दीदी का उत्साह यहाँ पर ना हो, एक एक परिवार को एक एक घर को उन्होंने अपनी बड़ी बहुत मेहनत से बड़े प्यार से सबको जोड़ा है महाराज जी के साथ और इस कथाओं के साथ, ये उन सब की देन है। तो इनका हम सब बहुत तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इन दीदी की वजह से ही आज हम ये सब सुयोग हमें मिल रहा है। हरे कृष्ण। हाँ, और 5 मिनट ठीक है। हाँ देखो, भागवत कथा कैसे सुननी चाहिए अभी ध्यान देकर सुनो। बोले कल आपको पूछूंगा आपने क्या याद किया, ठीक है। बोले श्रोता दो तरह के हैं, एक बढ़िया श्रोता और एक साधारण श्रोता है। कहते जो बढ़िया श्रोता हैं, कहते वो 4 ही तरह के। कितने तरह के? पहला नंबर है हंस। हंसों को आप दूध दो, देखना वो दूध दूध तो पी लेगा और पानी पानी को छोड़ देता है। मतलब कथा कैसे सुननी चाहिए? हंस जैसे। सार को लो और असार को छोड़ो। दूसरा नंबर है मधुमक्खी। अब देखना, एक मक्खी और एक मधुमक्खी। मक्खी क्या करता है? गंदी चीज में बैठता है, लेकिन मधुमक्खी क्या करता है? फूल में बैठता है। भले कांटा के वृक्ष क्यों नहीं हो, वहाँ भी बैठ करके उसने शहद को संग्रह करता है और बड़ा सुंदर मधुमक्खी बनाता है, बड़े सुंदर छत्ता बनाता है। इसलिए हमें मधुमक्खी बननी चाहिए, हैं? हमें जीवन में सार वस्तुओं को उतारनी चाहिए। तीसरा नंबर है मछली। मछली देखे होंगे, देखना मछली का जो आँख है कभी झपती नहीं, हर समय खुली रहती है। मतलब कथा कैसे सुने? मतलब मछली जैसे, मतलब टक टक लगा करके। कहते कथा कैसे सुने? बोले टक टक लगा करके एक मन से कथा सुननी चाहिए। बोले तीसरा नंबर बताए, हाँ तीसरा नंबर बताए चातक। वो एक पक्षी चिड़िया होता है, वो किसी नदी का पानी नहीं तो किसी तालाब का पानी नहीं पीता है। वो कौन सा पानी पीता है? वो स्वाधीन नक्षत्र का। जब बारिश ही होना तभी वो पानी को वो पिएगा, जैसे तैसे पानी नहीं पिएगा। तात्पर्य है हमें चातक जैसे बन करके जैसे तैसे पानी नहीं पिए। मतलब दुनियादार की कोई कथा नहीं सुने, सुने तो किसकी कथा सुने? ठाकुर जी की कथा सुने। फिर ये 4 तरह का हो गया अच्छे श्रोता। फिर 4 तरह का साधारण श्रोता। पहला नंबर है ऊट। अब लोग ऊँट को देखे हो, देखना ऊँट को कोई कोमल कोमल बड़ी सुंदर कोई पत्ते दो को नहीं खाएगा, और ढूंढेगा भैया कांटा की पेड़ कहाँ पर है। मतलब है जो व्यक्ति भगवान की मधुर मधुर कथा नहीं सुन करके केवल कांटा कांटा कहाँ पर, कांटा मतलब क्या, ये दुनिया की बात तो सुन लेगा, उसकी बेटी ने ऐसे की, उसकी बहू ने ऐसे की, उसको बेटा ऐसे, देखना बैठ करके सारा दुनिया की बात सुन लेगा, लेकिन भगवान की कथा में रुचि नहीं हुई, इसलिए बोले ऊँट है। दूसरा नंबर है बोले भेड़िया। ये भेड़िया ये छोटा जाति का एक बाघ होता है। ये तभी हिरण को आक्रमण करेगा जब हिरण कोई सुलीली शब्द सुने, उसका कान खड़ा हो जाता है। ठीक उसी समय में ही वो भेड़िया उसके ऊपर में आक्रमण करता। बोले मतलब क्या? बोले मतलब है ऐसे कुछ व्यक्ति है जो कथा तो स्वयं नहीं सुनते हैं और जो पास में जो बैठने वाले को भी सुनने नहीं देते।
बिना कारण के कारण तेरे घर में क्या बना था। अरे उसकी बहू ऐसे कर रही थी, उसको घर में बेटा जो बिना कारण के कारण में जो इधर उधर के जो बात बोलता है, कहती है भेड़िया है। बोले तीसरा नंबर है बैल। अब बैल को बड़े सुंदर सुंदर अंगूर, बढ़िया सुंदर सुंदर मिठाई, बड़े सुंदर केले, उसको भूसा दो, वो दोनों में कोई फर्क नहीं समझता है, दोनों को जो बराबर माने। मतलब क्या? मतलब है भगवान की कथा हो नहीं तो दुनियादारी की कथा हो, कोई भी कथा हो बैठ कर गप्पे मारने लगे। बोले नहीं, उसको कहते हैं ये भेड़िया। चौथा नंबर है भुरुन। ये हिमालय पर्वत में एक पक्षी रहता है। अब ये पक्षी की एक विशेषत्व है, आप इसको जैसे सुनाओ ना आपको ठीक वैसे ही दोबारा सुना लेगा, लेकिन वो करते समय पूरा उल्टा करेगा, वो एक अक्षर अपना जीवन में नहीं उतारेगा, सुनेगा भी सुना भी लेगा लेकिन अपना जीवन में जो नहीं उतारते उसको बोले भुरुन है। कहते ये चार तरह का साधारण श्रोता है। कहते कथा चार तरह की, सात्विक, राजसिक, तामसिक और निर्गुण। बोले सात्विक की कथा किसको कहते हैं? जैसे एक महीना हो, दो महीना हो, कथा तो सुनेंगे लेकिन उसके बाद में फिर कोई कथा बता सकते हो, मतलब है। राजसी कथा किसको कहते हैं? बड़े ठार बाढ़ से कथा को आयोजन की, लेकिन ये कभी कभी व्यवस्था में इतने बिजी रह जाते हैं जो मेन विषय जो कथा सुनना वही कथा नहीं सुन पाते। को किसको खिलाना, किसको पिलाना, कौन रुक कहाँ रुकवाना, बस इसी में ही समय को बिता देते, उसको कहते राजसी कथा। बोले तामस की कथा किसको कहते हैं? जैसे सात दिन की कथा होगी, कभी इच्छा लग गया तो मन लग गया तो बैठ गए, इच्छा नहीं हुआ एक चक्कर घूम करके आ गए, नहीं तो बीच में आए, नहीं तो कथा जब समाप्त होने जा रही है तभी आए, हैं। बोले किसी तरह से सात दिन को बिता देना है, कहते इसको तामस की कथा कहते हैं। बोले भैया सही कथा क्या है? बोले सही कथा है, बोले सदा से व्यायाम श्रीमती भागवती वार्ता। मतलब जिसने अपना जीवन कोई भागवतमय बना दे। बोले मतलब घर में रोज नियम करके, घर में रोज नियम करके गीता हो, रामायण हो, भागवत हो, कोई भक्ति ग्रंथ को रोज पढ़ा करो। क्या करो? रोज पढ़नी चाहिए, हैं, रोज ग्रंथ पढ़नी चाहिए नियम करके। देखो ध्यान देख रहे सुनो, अभी कमल प्रभु जी बता रहे थे ना, एक समय हमारे जो बड़े गुरु जी, इनको एक व्यक्ति ने कहा, बोले गुरुदेव मेरे बेटा बात नहीं सुनता है, हाँ शादी से पहले थोड़ी थोड़ी कभी सुन लेता था, नहीं सुनता था, और शादी को बाद में पता नहीं बेटा का क्या हो गया, बात ही पूरा नहीं सुनते। जब ये बात को बताए तब गुरुदेव ने बताए, बोले बेटा रामायण पढ़ते हो? क्या बोले बेटा रामायण पढ़ते हो? बोले नहीं। बोले बेटे को रामायण पढ़ने के लिए कोई उत्साह देते हो? बोले नहीं। बोले अगर तू रामायण नहीं पढ़ोगे, बेटे को रामायण नहीं पढ़ाओगे, बताओ तेरे पिता, तेरे बेटा तुम्हारी बात कैसे सुनेगा? अगर वो रामायण पढ़ा होता है ना, जैसे प्रात उठ ही रघुनाथा और मात पीत गुरु न मैगा, अगर रामायण पढ़ता तो देखता रामचंद्र कैसे सवेरे उठ करके अपना पिता माता को चरण कैसे छूते हैं, गुरुजन के चरण कैसे छूते हैं, तब तब सीखता है ना। रामायण तो पढ़े नहीं, बच्चों को पढ़ाया नहीं, और 10-20 हजार का स्मार्टफोन पकड़ा दिया बच्चे को, हैं, 10-20 हजार स्मार्टफोन बच्चे को पकड़वा दिया, स्वयं भजन नहीं किया, माला भी जप नहीं किया। पहला गुरु, ये हमारे बड़े गुरु जी कहते थे, पहला गुरु पिता माता। पहला गुरु कौन है? पहला गुरु कौन है? पिता माता। अगर पिता माता बचपन से भजन करे, हरिनाम करे, माला जप करे, गीता रामायण पढ़े, क्या होगा? बेटा भी वही सीखेगा, क्योंकि पहला संस्कार पिता माता से ही ये संस्कार पड़ता है, हैं? ये हमारे बड़े गुरुदेव कहते थे। अगर हम स्वयं भजन करेंगे, माला जप करेंगे, रामायण गीता पढ़ेंगे, फिर तो जाकर के हमारे बच्चों के अंदर में भी संस्कार आएगा। बोले भैया मैया भी भजन करती हैं, मैं भी थोड़ा माला जप करूँ, मैया भी गीता रामायण पढ़ रहती हैं, मैं भी। अगर दिन भर टीवी खोल करके उल्टा पुल्टा गंदी गंदी पिक्चर और उल्टा पुल्टा अगर देखे, बच्चे भी वही चीज देखेगा,
और वही पहला संस्कार पिता माता से बढ़ेगा, है ना। इसलिए हमारे बड़े गुरु जी कहते थे पिता माता ये साक्षात गीता भागवत पिता माता, पिता माता ये साक्षात भगवत गीता रामायण गुरुदेव कहते। क्यों? पहला संस्कार पिता माता से ही संस्कार बनेगा, वही से सीखेगा। इसलिए आप लोग भी भजन करें, और जो बता रहे ना पुस्तक है, ज्यादा कोई पैसा नहीं है, हमारे घर में रोज न्यूज पेपर आता है, रोज बस एक बार पढ़े फेंक दो, एक बार पढ़े फेंक दो। लेकिन एक बार अगर कोई ग्रंथ ले जाते हैं, जब तक ये जीवन रहेगा तब तक ये हमें ज्ञान देती रहेगी, जब तक जीवन रहेगा। इसलिए सबके सब गीता रामायण पढ़ो, भक्ति करो, भजन करो और जीवन में सुखी रहो, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। देखो कल से हम पूरा 4 बजे कथा शुरू कर देंगे और 7 बजे कथा को हम विश्राम देंगे, और एक एक भक्त कितने कितने भक्तों को लाओगे? 10-10 भक्तों को। और मेरे को बताना कितने 10 कौन कौन 10-10 भक्तों को लेकर आओगे, ठीक है। हाँ देखो प्रभु जी अभी एक बढ़िया भजन गाएंगे, सबके सब खड़े हो जाओ, ठाकुर का आरती होगी, बोलो हरी। आज जो नाच रहे थे नाचे, और जो नहीं नाचे उनको भी नाचना है। देखो दुनिया में हम सब नाच रहे कि नहीं, लेकिन भगवान की दरबार में नाचोगे ना सर, नाचना हमारी खत्म हो जाएगी, सब नाचना खत्म मिट जाएगी। जय जय श्री राम। अरे कान्हा की दीवानी बन जाओ, हरे कान्हा की दीवानी बन जाओ, हरे कान्हा की दीवानी बन जाओ, 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 we'll be right back.
I'm gonna have to go.